हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई आज हमारा ये इस चैनल का पहला व्लॉग है, टीवी व्लॉग, पारस पंकज व्लॉग। हेलो गाइस, तो अभी हम मतलब एक बहन का बर्थडे है तो हम केक लेने जा रहे हैं मेरी, और केक लेने जा रहे हैं मवासी का। बाकी रास्ते में पारस कैसा केक लेना भाई? ऑर्डर करा हुआ? हाँ, ट्रफल ट्रफल भाई ने ट्रफल केक ऑर्डर करा हुआ है। तो वास विकास है यहाँ से 3-4 किलोमीटर, और पारस ने शाइन बगा रखी है पूरी दबा के। ये पीछे गोवा वाले पेड़ लगे हुए थे। वास विकास में आपका स्वागत है। अंधेरा हो गया ना। कहाँ है भाई केक की दुकान? ये आ गए, अब केक वाली शॉप आ चुकी है, अशोका बेकर्स। अशोका बेकर्स किन के केक बढ़िया है भाई, प्राइस भी ठीक है। कहाँ है भाई तेरा ट्रफल? कहाँ है? अभी बन रहा है भाई। परस कौन सा खाने का मन कर रहा तेरा? उस दिन हमने ये काटा था ना, फॉरेस्ट। हाँ ये भी अच्छा, अभी पड़ा हुआ घर पे, अच्छा था भाई। ये केक खाया था हमने उस दिन। ट्रफल कैसे बना हुआ है ये? स्माइलीज देखो है ना। पारस कितने का है भैया केक बता दे यार जरा। भाई 300 का है ट्रफल, वो अपना ब्लैक फॉरेस्ट। भाई सारे 300 है, मतलब कोई भी ले लो। फ्रूट वाला है? अच्छा फ्रूट वाला महंगा है, वरना सारे 300 के हैं। मिनट का कह के लाया था, आधा घंटा होगा तुम्हें फिर आते हैं मुझे। चल अभी देख रहा। सहारनपुर की शाम, जिम जा रहा था अच्छा खासा, ये आ गया कह रहा 5 मिनट में आ रहा है वास विकास से। पहले तो 5 मिनट लगते नहीं है वास विकास आने जाने में, आया क्यों जब 5 मिनट लगते नहीं थे तो? ठीक है, और उसके बाद इसने मुझे कहा कि भाई केक लेके अब कहीं और जाना, और इसने परेशान कर दिया मुझे बिल्कुल हद से ज्यादा। ये देखा अंकल कैसे कर रहे हैं। जब 5 मिनट लगते नहीं तो हाँ। आप आए क्यों? तो कसमें देखे बुलाया ना तुमने, तो दी नहीं तुमने का भाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई बात नहीं भाई, झूठ बोल ले, पूरा 1 घंटा लगवाएगा तू मेरा, और मेरे जिम का नाश कराएगा। नाश कराएगा? आप 8 बजे जाएंगे क्यों? जाएंगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी तो कोई चीज होती है। टाइम मैनेजमेंट है? रोटी आपने 9:30 ही खानी है। अरे तू खिलवा रहा कहीं मुझे? अच्छा ये देखो, हमारे यहाँ की रोड का बहुत बुरा हाल हो रखा है, ये बारिश में बह गए रोड थोड़े बहुत। ये अंकल बीच में खड़े हैं, काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। नहीं सीएम तो हमारे बहुत बढ़िया है भाई, उनका तो कोई कोई तोड़ ही नहीं है, पर फिर भी यार रोड खराब हो रखी फिलहाल अभी। ये हमारा पोर्श रोड भाई ने टेम्पो में तो ऐसे लाइट लगाई हुई अंदर, टोक्यो ड्रिफ्ट चल रही हो इसकी। यहाँ सहारनपुर में रहना है तो टेम्पो के अंदर रहना पड़ेगा। टेम्पो तो, अरे यहाँ तो सहारनपुर में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़के हो रहे तो कतई में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़के हो रहे। कोट रोड पे दुकान है भाई दावेली के नाम से, अभी पुल के नीचे रेडी लगी हुई है, तो वहाँ पे इसने दावेली का खाली तब से भाई ये दावेली करता रहता है, और अब हम वहीं जा रहे हैं और इसको दावेली पैक करानी है। और यहाँ पे आजकल खाना फ्री बट रहा है, और ये थार घूम रही है सरदार जी, ये खाना बट रहा है फ्री, और ये आ गई दावेली की रेडी। ये भाई हैं जो दोनों दावेली बनाते हैं, ये डॉन है लड़का बिल्कुल। आयु इसका नंबर ले ले पारस भाई, भाई का देख कितनी सफाई भी है पूरी। अभी भाई गरम हो रहे हैं अमूल बटर से, भाई पक्का अमूल बटर है ना? अच्छी बात है, अमूल मक्खन है सर। ओके हाँ, खुशबू आ रही है। पारस यार तो क्यों मजे ले रहा भाई से, पूरी रौनक हो रखी है आजकल, भीड़ ऐसे हो रही है, फ्री में बट रहेगा भाई। हाँ शाम को रोज ऐसे होता है। ये रवि वीडियो में आने से नखरे कर रहा, ये देख ले खा ना तू। मैं डिस्को डांसर तोड़ो नो नो, अभी एक कट मार के दिखा।
रवि एक कट देख ले रवि करियो करियो रवि एक बार और प्लीज एक बार और 2000 years later. तो मैं अभी जा रहा हूँ हुंडई के शोरूम अपनी ओरा की सर्विस कराने. तो लगभग आधे घंटे से घंटा घर से ये अभी तक पुल नहीं आया और जाम में हूँ मैं. हद हो गई यार, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ है. ठीक है, अभी लगता है आगे जाके खुलेगा ट्रैफिक और बहुत दिक्कत होगी भाई. सर्विस पे गाड़ी दी है भाई और अभी साहिल को बुलाया था मैंने, इन्होंने हमारे 2 घंटे बर्बाद कर दिए. 2 घंटे ही हो गए डेढ़ है ना खाली सर्विस को, मतलब गाड़ी को रखने में अपने पास जॉब कार्ड वगैरह बनाने में. और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, अब हम जा रहे हैं घर. भाई हमारा जिम कराया अब, और जिम करने के बाद देखिए मौसम ही खा रहा है भाई हमारा. ये देखो हमारे बीच में रवि जी आ चुके दोबारा से. रवि जी फोन पे विशेष चर्चा कर रहे हैं. ये नाबालिग बच्चे स्कूटियां लेके घूम रहे हैं. ये बच्चे कह रहे मेरा लाइसेंस है, इनका लाइसेंस रख रहा है. कैसे बात क्या है, मान सारा चेक करके देगा कल. ये मौसमी का आनंद लेते हुए पंकज नारंग, कैसी लग रही है मौसमी आपको? एकदम फिक्की. अच्छी लग रही है, कट्टी कट्टी थी ऐसी नहीं लग रही. फिर अभी मोटर ले खाएंगे. मोटर रवि जी से कुछ पूछना चाहेंगे आप? ये देखिए आप, ये मुंह भर चुके हैं, इनका मुंह ओवर हो चुका है. भाई क्या हाल करते शुरू? ये है दाऊदी इब्राहिम. ये सोच रहे हैं कितनी गहरी सोच में चर्चाएं कर रहे हैं. कोई सीरियस बात नहीं है, बस ये एक्टिंग है, एक्टिंग. देखिए रवि जी कितने विशेष चर्चा हो गए अपने मोबाइल में. पारस को उस दुकान पे अवेलेबल है या आज अपनी रोड पे घूम रहे हैं हम. ये मन भी है हमारे आ चुके, ये रवि से पैसे ले रहे हैं. हम इसके पीछे नहीं भागते, ये है भागता नहीं इसके पीछे, कहता है भागता नहीं, लेकिन सुबह शाम. अमन भैया इस रवि ने अपने जन्मदिन पे मोमोज कैसे खिलाए थे आपको? 10:30 बजे भाई, 10:30 बजे अगले दिन वो भी कौन दावत दे रहा. ये है भाई हमारा जो अगले दिन के मोमो देखा क्या, आधा घंटा पहले हमारा रामघाट की रेडी पे खड़ा था, मुझे कह रहा था डोमिनोज से ला के दूंगा मोमो. प्याज लगता अमन भैया डोमिनोज पे मोमोज मिलते नहीं यार. अरे भाई इसके सामने वो नया खुला क्या मस्का चस्का क्या है उसका ही नाम, हमें कहीं नाम बताया खाने पीने का इसके साथ भाई के चलेगा जो है. 3 साल से कोठी तैयार हो रही है, अब तक तीसरा लेंट नहीं डाला, घर में बन रहा था गटर, हमें बता भी स्विमिंग पूल है. दारू नहीं रे बाबा, दवाई है. ये कितने खुश है सिक्के गिनते हुए, चेहरे पे खुशी देखो अलग से. अब ये भाई अभी आपने देखा मौसमी खा रहा, अब देख लो क्या डाइट खा रहा है. ये जिम करके आए, जिम बैग है इनका. क्या कह रहा हार्दिक, क्या कह रहा हार्दिक, क्या हो गया? ओ माय गॉड, हार्दिक सक्षम नहीं आया. किन्ने हम आए हुए हैं सुप्पल भैया की दुकान पर. ये भैया भाग रहे हैं बिल्कुल. सुप्पल भैया ये बहुत तगड़े खतरनाक इंसान है. और ये पारस, पारस भैया हमारा ये फर्स्ट लोग है और ये आज या कल में मैं डाल दूंगा. क्या कहना तो क्या कहना चाहोगे आप? इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें. ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय, टेक केयर. चलो भाई बाय, ध्यान.